दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित कन्वेनमेंट जोन में पुलिस जमीन के साथ साथ आसमान से हाईटेक ड्रोन के जरिए पेट्रोलिंग और अनाउंसमेंट करती नजर आ रही है। साउथ दिल्ली का मेहरौली इलाका जो कुतुब मीनार के चलते देश भर में प्रचलित है, ये इलाका दिल्ली के कन्वेनमेंट जोन में से एक है, जिसके चलते DCP अतुल ठाकुर, स्थानीय थाना SHO और उनकी टीम ने इलाके में जमीनी पेट्रोलिंग के साथ साथ आसमान से लोगों पर ड्रोन के जरिए पैनी नजर रखी है और लोगों को ऑडियो अनाउंसमेंट करवाते दिखाई दिए। DCP ने बताया कि वह लगातार इलाके में घूमकर लोगों की सभी प्रकार से मदद कर रहे हैं, खाने से लेकर दवाई और हर जरूरी चीजों को लोगों को मुहैया करवाई जा रही है। नए प्रकार का ड्रोन हमने प्रयोग किया है। इस ड्रोन में नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी है और लाइव मॉनिटरिंग है, और इस लाइव मॉनिटरिंग के साथ साथ लाइव अनाउंसमेंट सिस्टम भी है। ये ड्रोन जहाँ भी जाएगा, अगर ये कहीं पे भी वायलेशन देखता है तो तुरंत उसे मॉनिटर पे देखा जा सकता है, और उस मॉनिटर पे ही हम लोग एक अनाउंसमेंट सिस्टम भी है, जिससे जो भी वायलेशन कर रहा है, यदि वो मास्क नहीं पहन रहा है या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहा है, तो उसका हम अनाउंसमेंट तुरंत वहीं कर सकते हैं, ताकि लोग भी सचेत हो जाएं कि उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, प्लस जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्टली लोगों तक इमीडिएटली रियल टाइम बेसिस पे रिले भी हो जाए। तो जो भी पुलिसकर्मी इस ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है वो अपना इंस्ट्रक्शन भी लोगों को दे सकता है, और इसमें जो रेंज है वो करीब 8 किलोमीटर की रेंज है, तो 8 किलोमीटर तक जितने भी इलाके हैं उनको स्कैन किया जा सकता है। इसमें थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी है, तो रात में भी नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी के साथ ये ड्रोन उड़ सकता है, और कहीं पे भी अगर देखा जाता है कि भीड़ है या फिर कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है या मास्क नहीं पहन रहा है, तो उसे तुरंत हिदायत भी दी जा सकती है, और अगर उस हिदायत का वो पालन ना करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बता दें कि दिल्ली में लगातार कन्वेनमेंट इलाके बढ़ते जा रहे हैं, इसके चलते पुलिस सख्ती बरत रही है और लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने में लगी है।